मलका दो जहान है मेरे नबी की माँ। जो नबी की माँ से मोहब्बत करता है जरा हाथ उठाए, जरा आशिकों का पता चले। मलका दो जहान है मेरे नबी की माँ। जब मैं कहूँ माँ मेरे नबी की माँ तो दायां हाथ खड़ा कीजिएगा जिस जिसको समझ आ रही हो। मलका दो जहान है मेरे नबी की माँ। रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ। मेरे नबी की माँ। बहुत मुश्किल शेर है। जो बंदा अपनी माँ को अम्मी जान कहता है वो हाथ उठाए। जो अपनी माँ को अम्मी जान कहता है, अच्छा अम्मी जान ये बात है, अम्मी जान वो बात है, अम्मी जान ये बात है। सुनिए जरा शेर और इसका अगला आखिरी शेर। कहते अपनी माँ को सब बेटे अम्मी जान। कहते हैं अपनी माँ को सब बेटे अम्मी जान। सोचो के किसकी जान है मेरे नबी की माँ। कसम बा खुदा मैं ये समझता हूँ कि किबला हाकिम साहब ने ये जो शेर लिखा है ना हुजूर की अम्मा जान के लिए, मेरे ख्याल में कायनात में मैं पूरी जिंदगी भी लफ्ज तराशता फिरूं तो इस शेर की तारीफ नहीं कर सकता। इतना पसंद है आखिरी हद तक हाकिम साहब। सुभान अल्लाह, नारा रिसालत। हुजूर की अम्मी जान के लिए बोलिए नारा रिसालत, नारा रिसालत, किबला अहमद अली हाकिम साहेब। सुभान सुभान। कहते अपनी माँ को सब बेटे अम्मी जान। कहते हैं अपनी माँ को सब बेटे अम्मी जान। सोचो के किसकी जान है मेरे नबी की माँ। मैं चाहूँ तो आप सबको खड़ा कर लूँ, आप सब खड़े हो के भी दाद दें तो फिर भी कम पड़ जाए। शेर इस किस्म का है और आप सिर्फ हाथ खड़ा करना है, खड़े नहीं होना, लेकिन बस देखना है कि ये शेर कितना वजनी था। जुल्फों से लेके पांव के नाखून की नोक तक। जुल्फों से लेके पांव के नाखून की नोक तक। ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। हाथ पांच सेकंड उठाइए जरा। ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। मेरे नबी की माँ। आखिरी शेर हजरत एक जरूरी ऐलान सुनिए। एक शेर बढ़ गया है बस, अब कुछ नहीं कहना ठीक है। उसने कहा था आपको बीबी पाक का वास्ता, शायद मैं इसको टाल देता।